ये पूरे राउंड का कितना लेते हैं? सारी तैयारी कर ली है, टाइम हो गया है 10 का। रात को एडिटिंग करते रहे हैं, लेट सोए हैं तो फिर लेट ही जा गई है, तो अभी जी बस निकल रहे हैं। एक तो यहाँ से ये जीप जाती हैं जो कि स्पेशल यहाँ से जाती हैं, करीबन 3,000-4,000 में फ़ाइनल करके जाते हैं यहाँ से बुकिंग। लेकिन एक ये गाड़ी है तो ये आपको 200 रुपये पर पर्सन यहाँ पे सवारी यहाँ पे ले जाते हैं, तो इज़िली आप इसमें बैठ के जा सकते हैं। तो हम इसमें बैठ चुके हैं, अभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अभी ये फिल हो जाएगी तो उसके बाद फिर चलते हैं। सारे इशरार कर रहे, कुछ तो बोलो। हमारा कोई जरूरत नहीं, हमारा कोई जरूरत नहीं है। ये जो सामने आपको वैली छोटी सी दिख रही है, ये है नारान, लेकिन ये छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ से छोटी दिखाई दे रही है। और ये इतने बड़े बड़े माउंटेन और ये सारी जीपें जा रही हैं ऊपर झील की तरफ, सैफुल मलूक झील जी। और करीबन यहाँ से आधा सफ़र हमने तय कर लिया है और पीछे आधा रह गया तो वो हम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी गर्म हो गई है तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे कर रहे हैं। यहाँ पे रास्ता बहुत ही ख़राब है, इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर पैदल चले जाइए। इतनी सारी गाड़ियाँ और इतना सारा रश है ना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ी है झील, यहाँ से छोटी लग रही है, आगे जाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ से एक रिवर निकल रहा है जो कि सीधा नारान की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डस्टबिनें तो लगी हुई हैं, वो देखिए डस्टबिनें तो लगी हुई हैं लेकिन फुल हुई हुई हैं। यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ से कचरा ले जाते हैं ना उन्हें खाली करते हैं, तो लोग बाद में ऐसे ही फैलाना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। बाकी ये एरिया जो है ना काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पर आगे बोट लगी हुई हैं और घोड़े भी हैं। ये काफ़ी बड़ी झील है, लग आपको शायद छोटी रही होगी, वो वहाँ पर आपको शायद लोग दिख भी ना रहे हों जो वहाँ पर फिर रहे हैं।
क्या सीन है भाई। लेकिन बोट यहाँ पे ख़राब है, हम जा नहीं सकते। और लोग यहाँ पे कुछ घोड़ों पे हैं, इंजॉयमेंट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे कश्तियों पे वैसे तो वैसे पड़ी हैं, कश्तियाँ ख़राब हुई पड़ी हैं, पता नहीं क्या सीन है। सीज़न के दौरान यहाँ पे ख़राब है, वरना यहाँ पे कश्तियाँ चल रही होती हैं। वहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे। और मेन यहाँ की खूबसूरती पता है क्या है? ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड सीनरी आपको जो पीछे वाला मंजर शो हो रहा है, ये इतनी कोई खूबसूरत लग रही है ना यहाँ से। और इसके बाद वहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत पहाड़ लग रहे हैं सारे, वहाँ पे माउंटेन क्लाउड्स में छुपे हुए हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और लोगों ने यहाँ पे म्यूज़िक लगा रखे हैं, यहाँ पे कुछ डांस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। कुछ वहाँ पे लोग गए हुए हैं, वहाँ पे सैर व तफरी कर रहे हैं, घोड़ों के ज़रिए वहाँ पे जाते हैं। वैसे तो काफ़ी लंबा ये सफ़र बन जाता है, तो ये एरिया कमाल है, वैसे बहुत ही खूबसूरत है। अभी चलते हैं, हमने आगे वाले इलाके भी कवर करने हैं। तो बस जी, अब निकलने वाले हैं यहाँ से और कोशिश करेंगे लालाजार जाने की।